कितना, चलिए यहाँ पे आ जाइए और आगे आ जाइए। गुरुदेव को प्रणाम और सभी साथियों को भी बहुत प्रणाम दिल से। मेरे पति देव जी मनोज जी वो पिछले सेशन में आए थे और वो बैठते थे, तो मैंने एक्चुअल में मेरे को 25 साल हो गए हैं गुरु बनाए हुए। हालांकि उनका भी प्रोसीजर यही है पर हम कभी बैठे ही नहीं ध्यान में, आधा घंटा मुश्किल से बैठते हैं और उसके बाद उठ जाते हैं, तो मिला तो कुछ है ही नहीं ना, हमने किया ही नहीं कुछ। बट ये जब बैठने लगे तो मुझे यूँ लगा कि मैं भी ले सकती हूँ कुछ। ये मुझे उठाते भी थे, आधा घंटा बैठती है, 3-3 घंटे बैठ जाते और मैं बैठती नहीं थी। इस बार ये आने लगे ना तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी आपके साथ, मैं देखूँ तो सही कि वहाँ हो क्या रहा है। सिर्फ यही सोच के आई थी कि देखते हैं कि कैसे, कम से कम सिटिंग तो होएगी मेरी, मैं इतने घंटे बैठ पाऊँगी। जैसे ये बता रहे थे कि ऐसे 3-3, 4-4 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं, तो मैं यहाँ आई। पहले दिन भी हमने बात करी गुरुदेव से कि हमारे तो ऑलरेडी गुरु बने हुए हैं तो कैसे होगा, तो गुरुदेव ने ये कहा कि जैसे आप हैं उनका ही लेते रहो, करते रहो, भले कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब यहाँ पे बैठे थे पहले दिन तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आया है, गुरुदेव आए हैं या गुरु माँ आई हैं, मुझे नहीं पता चला, कि अंदर कोई ऊपर से हाथ रखा है और अंदर कुछ ऐसे सर्किल सा घूम गया। मुझे पता ही नहीं क्या घूमा अंदर मेरे, एक सर्किल के रूप में अंदर कुछ एंटर कर गया। मैं थोड़ा चकित तो थी कि क्या हुआ, मैंने सबसे बात भी करी क्या हुआ। उसके बाद कल वाले प्रोग्राम में जो था अपना कल वाले दिन सेशन का, उस दिन जब ये मेरे को शक्तिपात करा गया तो गुरुदेव मेरे पास से निकले और पास में शायद भाई साहब बैठे थे उनका करने गए, तो मुझे कंपन शुरू हो गया। मैंने गुरुदेव को भी बताया था कि मेरे आपके आने से आए पास से गुजरे हो मेरा शरीर में कंपन शुरू हो गया। ज़्यादा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ बाद में, पर ऐसा पहले ही मुझे ऐसा फीलिंग हुई कि मेरा शरीर में बहुत ज़ोर से कंपन हो रहा है। अंदर से एक फीलिंग सी आ रही थी कि मन ऐसा भारी भारी सा, सिर इतना भारी। परसों रात को भी जब मैं सोई तो इन लोगों को बोला था कि मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, सिर में ऐसे लग रहा है मेरे कुछ घूमे ही जा रहा है बहुत ऐसे। तो पर कल जब ऐसा कुछ हुआ ना, ये शक्तिपात वाला जो भी इन्होंने मेरे को चार्ज किया, उस वक्त तो ऐसे लगा ब्लैंक हो गया, सिर बिल्कुल ठीक। मैंने इनको निकलते ही सबको कहा भी, मेरी साथ वालों को, कि अब मेरा सिर में दर्द ही गायब हो गया है। आज की जो मैं बताऊँ, मैं बहुत मतलब अलग अनुभूति हुई क्योंकि मैंने कभी बचपन से ही पूजा पाठ में नहीं गई, क्योंकि हमारे जो सभी सेवादार थे वहाँ पे जहाँ गुरु बनाए हुए हैं, मतलब हमारे दादा परदादा से वो चला आ रहा है, तो हमारे पूजा पाठ होती ही नहीं है। तो आज मैं वहाँ बैठी ना, तो मतलब हाथ पकड़ने से पहले की बात बताऊँ, जब 10 मिनट आधा घंटा हम जब ध्यान में बैठे हैं, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे माथे पे यहाँ पे कुछ घूम रहा है, सिर के अंदर यहाँ पे इस साइड में ऐसे लगा कुछ घूम रहा है बहुत तेजी से। उसके बाद थोड़ा मुझे बैठने में भी प्रॉब्लम है, हाथ पकड़ लिया तो मेरे हाथों में भी दर्द रहता है बहुत। हालांकि इनको पकड़ा हुआ था तो मुझे महसूस हुआ ये तो इनके हाथ में जान ही नहीं है अब, तो भी मैंने इनको पकड़े रखा, तो बिल्कुल जैसे कुछ है ही नहीं इनमें, हाथ में कोई जान नहीं थी। इधर थी जो उनका हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई एक लाइन बिजली की सी चलती है ना, जैसे ऐसे बिजली सी कोई चली है बस। उसके बाद मैं थोड़ा हिलडुल रही थी, बस इतना गुरुदेव ऐसा मुझे पता चला।
ठीक है, बहुत सुंदर। आपका भी बहुत आगे कल्याण हो चुका है ऑलरेडी, आपको सुनने के बाद भी और शक्तिपात करते हुए मुझे लगा। अब आगे जो है अपने अहंकार संस्कार है वो भी मिट जाएगा, और जो मैं कहता हूँ ना एकदम सब खत्म हो जाता है, एम्प्टीनेस, वो चीज़। एक तो साक्षात्कार तो बहुत लोगों के अंदर अंदर कुछ बहुत कुछ हो गई है, वो भी हो जाएगा। और अभी हम लोग बेड पे जैसे लेटे थे खाना खाने के बाद, तो थोड़ा सा नींद आई, तब ऐसे लग रहा है मेरे कंपन हो रहा है खूब बुरी तरह से। और है ना, मैं इनसे पूछ रही हूँ, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर रूपाली से, कि आपको हो रहा है शायद, आप मेरे बेड के पास बैठे हो तो मेरे को उसका असर हो रहा है। फिर मैंने इनकी तरफ उठ के देखा, ये हाथ ऊपर करके सो रही थी, मैंने कहा इनको फिर कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा।